नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एचआरआई न्यूज़ पर। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। बीजेपी के पोस्टर में किसानों का हुआ है अपमान। कांग्रेस नेता बोले, ये धमकी है, किसानों को बाल पकड़कर घसीटा जाएगा। दोस्तों, खबर में आपको बताते चलें क्या कुछ मामला है। भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आंदोलनकारी किसानों को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया गया है जो आने वाले समय में भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये पोस्टर नहीं बल्कि सीधे सीधे आंदोलनरत किसानों को धमकी है। इसे लेकर देश भर में अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने बीजेपी उत्तर प्रदेश के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा का किसानों के नाम संदेश है, अब उन्हें बाल पकड़कर घसीटा जाएगा। गौरतलब है कि अभी कुछ ही दिन पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक प्रेस वार्ता की थी और एक तरह से योगी सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि अब दिल्ली की तरह लखनऊ में भी आंदोलनकारी किसान डेरा डालेंगे। वहीं राकेश टिकैत की इस घोषणा के बाद से जिस तरह यूपी बीजेपी ने बक्कल तोड़ने की बात कही है, एक तरह से ये आंदोलनकारी किसानों के लिए धमकी मानी जा रही है। देख सकते हैं, यूपी बीजेपी ने विवादित पोस्टर जारी किया है जिसके बाद घमासान जारी है। सीधे तौर पर विपक्षी दल हमलावर हैं मोदी सरकार को लेकर और योगी सरकार भी निशाने पर है। वहीं किसान भी लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे